गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को साइंस में चैप्टर 2 का एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। और पिछले वीडियो में आप लोगों को 1 और 2 क्वेश्चन बताया था और अभी क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में है मैच द फॉलोइंग। क्या है मैच द फॉलोइंग? यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें मैच करना है। जो सही है उसमें सामने सामने आप लोग मैच करके लिखिएगा, ठीक है। जैसे चपाती, चपाती क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है या क्या है? इज ईटन एट मॉर्निंग प्रोटेक्टिव फूड है या डाइजेशन ऑफ फूड है या एनर्जी गिविंग फूड है? तो आप लोग पढ़े हैं कि चपाती क्या चीज है, ठीक है। चपाती में क्या होता है? चपाती में होता है रोटी, या इसको हम लोग ब्रेड भी कहते हैं, ठीक है। तो चपाती हम लोग पढ़े हैं कि यह एक एनर्जी गिविंग फूड है। चपाती क्या है? यह एनर्जी गिविंग फूड है। तो यह इसमें देखेंगे कि एनर्जी गिविंग फूड कहाँ है, तो उसको हम लोग सामने सामने लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को यह क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैच कर लाइनिंग से इसको मैच कर रहे हैं। यह चपाती क्या है? यह है एनर्जी गिविंग फूड। चपाती क्या है? एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। और दूसरा है एप्पल। एप्पल, एप्पल मीन्स क्या होता है? सेव। एप्पल मीन्स होता है सेव। एक सेव क्या है? इस क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है या इज ईटन एट मॉर्निंग है या प्रोटेक्टिव फूड है, डाइजेशन ऑफ फूड है, क्या चीज है? तो हम लोग पढ़े हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है सो क्या है? प्रोटेक्टिव फूड है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है सो क्या है? प्रोटेक्टिव फूड है। अतः यह मैच करेंगे यहाँ, और इसमें मैच करके हम दिखा रहे हैं, आप लोग इसको सामने सामने करके लिखिएगा, ठीक है। अब है ई, क्वेश्चन ए बी सी, क्वेश्चन नंबर सी में है वाटर। वाटर क्या है? यह प्रोटेक्टिव फूड है या इजीटेन एट मॉर्निंग है या बॉडी बिल्डिंग फूड है या डाइजेशन ऑफ फूड है या एनर्जी गिविंग फूड है, इसमें से खोजना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि वाटर जो है सो क्या है? यह एक डाइजेशन ऑफ फूड है। यह जो हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन को वाटर क्या करता है? पचाता है। वाटर मिस होता है जल। वाटर मिस क्या होता है? जल। डाइजेशन मिस होता है पचाना, ऑफ फूड, फूड को, ठीक है। डाइजेशन मिस होता है पचाना। तो वाटर जो है सो वाटर को हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं। वाटर को क्या कहते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं। तो इसको ऐसे मैच कर दिया, ठीक है। अब है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है या इज ईटन एट मॉर्निंग प्रोटेक्टिव फूड या डाइजेशन ऑफ फूड या एनर्जी गिविंग फूड, कौन होगा? इसको मैच करना है इसमें। तो ब्रेकफास्ट हम लोग कब करते हैं इसके बारे में जानते हैं, पढ़े भी है कि ब्रेकफास्ट जो है सो हम लोग मॉर्निंग में करते हैं। कब करते हैं? मॉर्निंग में। ब्रेकफास्ट कब करते हैं हम लोग? मॉर्निंग में। तो इसमें हम लोग डायरेक्शन करेंगे कि ब्रेकफास्ट हम लोग मॉर्निंग में करते हैं, ठीक है। अब है एग्स। एग, एग क्या है? एग्स होगा। एग्स क्या है? यह कौन बचा? बॉडी बिल्डिंग फूड। एग्स जो है सो क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। हम लोग पढ़े हैं कि बॉडी बिल्डिंग फूड में एग्स, राइस, ये सब जो है, मिल्क, ये सब क्या है? ये सब जो है सो बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो यह मैच हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग फूड। और आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि जैसे चपाती लिखे तो यहाँ पर ए लिखे और चपाती के सामने लिखेंगे क्या? चपाती क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वंदे के एनर्जी गिविंग फूड।
ठीक है। तो आप लोग इस तरह से कीजिएगा। अब हम लोग देखें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, या फिर इसको एक बार देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग, चपाती, चपाती किस होता है? यह क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। चपाती क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। एप्पल क्या है? प्रोटेक्टिव फूड है। वाटर क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड है। ब्रेकफास्ट कब किया जाता है? एक ईटन है मॉर्निंग में। या एक्स क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। एक्स क्या है? बॉडी बिल्डिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, इसको कॉपी पर आप लोग लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, KANSWER आंसर द FOLLOWING फॉलोइंग क्वेश्चन, QUESTIONS आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट व्हाई शुड बी वाई शुड बी नॉट इट अनकवर्ड COVERED अनकवर्ड फूड सोल्ड ऑन SOLD सोल्ड ऑन ROAD रोड SIDE रोड साइड, ठीक है। Why should we not eat uncovered food sold on road side? इसका मतलब होता है क्या, क्यों हम लोगों को अनकवर्ड फूड सोल्ड ऑन रोड साइड, हम लोगों को बिना ढका हुआ भोजन जो रोड साइड में बेचता है उसको नहीं खाना चाहिए। नॉट इट हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, व्हाई मीन्स क्यों नहीं खाना चाहिए। हम लोगों को जो रोड साइड में बेचता है भोजन उसको हम लोगों को नहीं खाना चाहिए जो बिना ढका हुआ रहता है, ठीक है। अनकवर्ड मीन्स बिना ढका हुआ। सोल्ड ऑन रोड साइड, सोल्ड माने क्या होता है? बेचना। ऑन रोड साइड, रोड साइड में जो बिना ढका हुआ भोजन बेचता है उसको हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। We should not eat, हम लोगों को नहीं खाना चाहिए बिना ढका हुआ भोजन जो रोड साइड में बेचता है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा इसको देखते हैं। आंसर ऑलवेज ईट, ALWAYS ऑलवेज ईट कवर्ड फूड COVERED ऑलवेज ईट कवर्ड फूड, हम लोगों को हमेशा ढका हुआ भोजन करना चाहिए, हम लोगों को हमेशा ढका हुआ भोजन करना चाहिए। अनकवर्ड फूड आउटसाइड
आउट आउटसाइड में कंटेन सी ओ ए पी ए आई एन कंटेन डेट डी आई आर के डी रख डे टूस होता है गंदा डस्ट डी यू एस टी डस्ट जर्म्स जी ई आर एम एस जर्म्स क्या होता है ऑलवेज ईट कवर्ड फूड हमेशा ढका हुआ भोजन करना चाहिए अनकवर्ड फूड आउटसाइड में कंटेन डिरट डस्ट एंड जर्म्स जो रोड साइड में होता है आउटसाइड में होता है वह क्या होता है वह जो है सो गंदा भोजन होता है उसमें धूल कण मिले होते हैं और उसमें जर्म्स मिले होते हैं जर्म्स मिस होता है कीटाणु जर्म्स मिस होता है कीटाणु डिस मिस डिरट मिस होता है गंगा डस्ट मिस होता है धूलकण कंटेंस मिस होता है मिला हुआ कंटेंस मिस होता है मिला हुआ ठीक है अनकवर्ड फूड अनकवर्ड फूड सोल्ड क्या होगा यहां पर होगा सॉरी सोल्ड फूड सोल्ड आउटसाइड में कंटेन डर्टी डस्ट एंड जर्म्स जर्म्स मिस होता है कीटाणु फूड माने होता है भोजन सोल्ड मिस होता है बेचना आउटसाइड माने बाहर आउटसाइड मिस होता है बाहर जो खुले में बेचता है बिना ढका हुआ भोजन उसमें मिला होता है क्या वो गंदा होता है उसमें धूल कण मिले होते हैं और जर्म्स मिले होते हैं इसलिए हम लोगों को वह भोजन नहीं करना चाहिए ठीक है विच कैन क्यूज विच कैन सी ए यू ए सी वी कैन क्यूज डिशेज डिशेज डी आई एस ई एस ई एस डिशेज डिशेज सो We not eat uncovered food UNCOVERD uncovered VERED uncovered food We not eat uncovered food sold on roadside road road side road side ठीक है फिर एक बार इसको देख लें सर always eat covered food हमेशा ढका हुआ भोजन करना चाहिए uncovered फूड सोल्ड आउटसाइड में कंटेन डिरट डस्ट जर्म्स जो अनकवर्ड फूड होते हैं और जो बाहर बेचते हैं सोल्ड मिस होता है बेचना आउट मिस होता है बाहर साइड मिस होता है जगह जो आउटसाइड में अनकवर्ड भोजन बेचते हैं उसमें में कंटेन उसे मिले होते हैं डियर गंगा डस्ट धूलकण और जर्म्स विच कैन क्यूज जो हम लोगों को रोगी बना देते हैं सो इसलिए वी नॉट ईट हम लोगों को नहीं खाना चाहिए अनकवर्ड फूड सोल्ड ऑन रोड साइड जो रोड साइड में बेच रहे हैं उनको बिना ढका हुआ भोजन जो बेचते हैं उसको हम लोगों को नहीं खाना चाहिए ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टू इसको मिटाते हैं इसको लिख लीजिएगा कॉपी पर
क्वेश्चन नंबर टू। Why should we drink? Question number two. Why? S-H-O-U-L-D. Why should we drink? Why should we drink enough E-N-E-N-O-U-G-H enough quantity E-N-T-I-T-Y quantity of C-L-E-A-N clean water. Why should we drink enough quantity of clean water? Quantity means होता है मात्रा, drink means होता है पीना, enough means होता है ज्यादा। Why should we drink enough quantity of clean water? Clean water. हम लोगों को अधिक मात्रा में साफ पानी क्यों पीना चाहिए? ठीक है? Why? क्यों? Should we drink? हम लोग we drink enough quantity of clean water. Enough means होता है काफी मात्रा में, अधिक मात्रा में। Enough quantity अधिक मात्रा में। Enough means होता है अधिक, quantity means होता है मात्रा। Quantity means क्या होता है? मात्रा। Enough means होता है ज्यादा, drink means होता है पीना, we means होता है हम लोग। ठीक है, हम लोगों को अधिक मात्रा में साफ पानी क्यों पीना चाहिए? ठीक है, हम लोगों को साफ पानी अधिक मात्रा में क्यों पीना चाहिए? ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देखें। आंसर वी शुड ड्रिंक Plenty, plenty of C-L-E-A-N, clean water. It helps our body. Helps our body to function F-U-N-C-T-I-O-N function properly P-R-O-P-E-R-L-Y properly and digest food, safe and C-L-E-A-N, clean, safe and clean water protect us from many diseases D-I-E-A-S-E-S E-D-I-E-A-S-E-S diseases many diseases So we must drink enough water.
enough water, ठीक है। We should drink plenty of clean water. It helps our body to function properly and digest food. Safe and clean water protect us from many diseases. So we must drink enough. Enough water मिस होता है काफी, enough मिस होता है ज्यादा, enough मिस क्या होता है ज्यादा, water मिस होता है पानी। अब देखें इसको, we should drink plenty of clean water, हम लोगों को अधिक मात्रा में साफ पानी पीना चाहिए, हम लोगों को अधिक मात्रा में साफ पानी पीना चाहिए, ठीक है। We should drink, हम लोगों को पीना चाहिए plenty of clean water, plenty means अधिक मात्रा में, of clean water साफ पानी, plenty means होता है अधिक मात्रा में, of clean water साफ पानी, ठीक है, समझ गए। We should drink, हम लोगों को पीना चाहिए plenty of clean water, अधिक मात्रा में साफ पानी, ठीक है। हम लोगों को पीना चाहिए अधिक मात्रा में साफ पानी, ठीक है। It helps our body to function properly and digest food, यह मदद करती है हमारे शरीर के फंक्शन को, खासकर properly में होता है खासकर भोजन को पचाने में, एंड क्या होता है भोजन को पचाने में, खास यह जो है हमारे शरीर के फंक्शन को खास यानी खास तरीके से क्या होता है यह भोजन को पचाने में मदद करती है। कौन भोजन को पचाने में मदद करती है वाटर, कौन भोजन को पचाने में मदद करती है वाटर, ठीक है। सेफ एंड क्लीन वाटर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिसेज, सेफ सुरक्षित और साफ पानी जो है सो रक्षा करती है हमारे शरीर को बहुत से रोगों से, डिसेज मिस होता है रोग है, डिसेज मिस होता है रोगों, और मेनी मिस होता है बहुत, फ्रॉम मिस होता है से, अस मिस होता है हम लोगों को, प्रोटेक्ट मिस होता है रक्षा करना, ठीक है। तो सुरक्षित और साफ पानी हम लोगों को बहुत से रोगों से क्या करता है प्रोटेक्ट करता है यानी रक्षा करता है। सो वी मस्ट ड्रिंक, इसलिए हम लोगों को काफी मात्रा में पानी पीना चाहिए, इसलिए हम लोगों को काफी मात्रा में पानी पीना चाहिए, ठीक है, समझ गए इसको। अब इसको आप लोग फेयर कॉपी पर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बस आज का इतना ही, अब अगले दिन अगले वीडियो में, थैंक्स।